हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज हम इस वीडियो में ये प्यारा सा फूल बनाना सीखेंगे। इस फूल को आप कहीं भी लगा सकते हैं, बनाने में बहुत आसान है और देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है। इस फूल को आप तोरण में भी लगा सकते हैं और स्वेटर टोपी में भी लगा सकते हैं, एज ए डेकोरेटिव कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस तरह से ये फ्लावर है, उसके नीचे धागा भी हम छोड़ देते हैं सिलने के लिए, और चाहें तो आप इसकी पंखुड़ियों को ऐसे फैला भी सकते हैं। देखिए, और ये वैसे तो ये अक्सर ये इसी तरह से रहता है, मगर आप इसे अगर फैला के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये पंखुड़ियाँ इसकी खुली भी रहेंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊन को अपनी उंगली के टिप पे इस तरह से 25-30 बार लपेटेंगे, जितना भी आपको बीच का पोर्शन मोटा चाहिए उस सब से इस तरह से। कॉर्नर पे लपेटेंगे ताकि इसका जो छेद हो बीच का वो छोटा हो। ये देखिए इस तरह से हमने लपेटा। अब ये जो छेद है इसमें इस तरह से क्रोशे को इंसर्ट करके ये जो धागा है इसे हम बाहर खींच लेंगे, इसे हम बंद करेंगे। अब यहाँ पे 24 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें इस तरह से। देखिए 1, 24, 2, 3, 4, तो ऐसा ही 24 बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने 24 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। देखिए जो शुरू में हमने जो चेन बनाई थी, वो जो जोड़ा था जिसमें, उसमें हम इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा मगर फ्लावर का जो लुक है वो इतने पे ही आएगा, तो इसे कम ना करें, 24 ही बनाएं। अब यहाँ पे हम 9 चेन बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 9 चेन बनाई। अब इस पर इस तरह से आपको उंगली रख लेनी है, फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और फिर देखिए जो 9th चेन है इसमें हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम देखिए हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में, यानी कि 9 हाफ डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे इस तरह से। फर्स्ट वाले में भी बना लेंगे। तो ये हमने टोटल देख सकते हैं आप, ये एक हमारी जो 2 चेन थी उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब इन सबको हम बंद कर देंगे इस तरह से। बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया, तो इस वाले पे ऐड किया, तो देखिए 1, 2, 3, 3 स्किप करेंगे, 1, 2, 3 और फोर्थ वाले में हम इसे हम स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, फिर वापस 9 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 चेन बनाया। इस पे उंगली रखेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर 9th चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर 8th में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसमें हाफ डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम इस पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने सब में इस तरह से बना लिया है, फिर इसे हम बंद करेंगे इस तरह से। देखिए इसे हम इस तरह से यहाँ पर बंद करेंगे, फिर वापस से जहाँ हमने जोड़ा, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 स्किप करेंगे फोर्थ वाले में, फिर हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। तो फिर ऐसे ही हम चारों तरफ बना लेंगे इस तरह के पैटर्न्स। ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया, हमारी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पेटल बनी है, लास्ट वाला है। तो देखिए जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है वहीं पे इसे हम स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद चाहे तो आप दूसरा कलर भी लगा सकते हैं, जैसे इस फ्लावर में जो पीछे का पेटल है ये आप दूसरे कलर से बना सकते हैं। तो दूसरे कलर के लिए आप ऊन को यहाँ पर तोड़ दीजिए और देखिए ये जो ऐसे पीछे करेंगे तो ये बीच का हिस्सा है। देखिए हमने जो 3 बीच में 3 स्किप किए थे, जो बीच वाला है इसमें आपको ऊन को जोड़ लेना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पे इसे जोड़ लिया। अगर आप दूसरे कलर का लगाएंगे तो, अगर आप सेम कलर से बना रहे हैं तो ऐसे ही कर लीजिए।
अब यहाँ पे हमने जोड़ा है तो यहाँ पे हम अब 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेन बनाएंगे और फिर दो चेन बनाएंगे। और फिर देखिए 13वीं चेन में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट में तो इस तरह से हम कंप्लीट चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से इस तरह से हमने बना लिया। अब फिर हम सब में से हम बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसके बीच में से इस पेटल के, अब इस वाले पेटल के बीच में ही देखिए इसे आगे करेंगे। यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। देखिए तो ये हमारी पेटल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। फिर यहाँ पर 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया। फिर दो चेन बनाएंगे और फिर वापस से देखिए 13 चेन में 13 हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये हमने पेटल बना लिया। फिर वापस इसे हम देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया इस फ्लावर इस पेटल पे, तो अब नेक्स्ट वाले के बीच में सेंटर में देखिए इसके ठीक पीछे से बीच में हम जो है इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से हम ये भी चारों तरफ से बना लेंगे। ये देखिए हमने लास्ट वाली पेटल बना ली है और जहाँ हमने फर्स्ट वाली पेटल स्टार्ट की थी वहाँ हम इस तरह से इसे देखिए इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। और ये धागा जो है थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा फ्लावर तैयार हो गया। अब इसकी पंखुड़ियों का आपको देखिए एक पंखुड़ी को थोड़ा सा ऊपर रखना है और एक नीचे रहेगी, इस तरह से आपको इसे सेट करना है। ये देखिए ये नीचे वाली हो गई और ये जो बीच वाली है इसमें भी आपको इसी तरह से करना है, एक अंदर और एक बाहर। तो ये आपकी जो है ये पैटर्न बंद स्टाइल में हो गई। अभी हमें इसके बीच में ये इस तरह से लगाना है। तो देखिए यहाँ पे इस आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे आपको लगा के बता देती हूँ। देखिए अब मैंने पर्पल कलर का ऊन लिया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपनी गांठ लगाएंगे, इस तरह से गांठ लगाएंगे और एक और ये दो दूसरी चैन बनाएंगे और इसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, इतना बड़ा कम से कम इतना बड़ा। ये देखिए इस तरह से फिर इसी में चैन में डाल के इस तरह से जितना बड़ा आप बना सकते हैं उतना बड़ा इस तरह से। कम से कम 7-8 बार तो 3 बार हो गया है, 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हम लिया। फिर इसे हम देखिए इस तरह से इसे हम इस तरह से इसे बंद करेंगे। और फिर जो फर्स्ट वाली चेन जिसमें हमने इसे बनाया है इसमें वापस से हम उसके नीचे वाली चेन, देखिए हमने एक चेन बनाई थी फर्स्ट वाली चेन में, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे और इस धागे को थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए जो स्टार्टिंग वाला धागा है और जो एंड वाला इसे हम गांठ लगा देंगे इस तरह से ताकि ये खुले ना। अब देखिए ये जो बीच में स्पेस है इसके बीच में आपको क्रोशिया इंसर्ट करना है और ये जो दोनों धागे हैं इसे आपको इस तरह से खींच लेना है। देखिए इस तरह से अब इसके बाद आपको ये पेटल इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है। देखिए हमारा फ्लावर तैयार हो गया। अगर आप इसके पीछे एक आध लाइन और लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो ये जो पेटल है आप दूसरे कलर से भी बना सकते हैं।
देखिए देखिए हमारा फ्लावर बनके तैयार हो गया। लग रहा है ना खूबसूरत, बहुत प्यारा है। और इसे आप हेयर बैंड में लगा सकते हैं, सॉक्स में लगा सकते हैं, बच्चों की टोपी में लगा सकते हैं, फ्रॉक बेबी फ्रॉक वगैरह में लगा सकते हैं, स्कर्ट पे लगा सकते हैं, पोंचों पे लगा सकते हैं, और ऐसे डेकोरेटिव आप इसे तोरण पे भी लगा सकते हैं, या फिर इसका फ्लावर बना के फ्लावर पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, वॉशेबल है, गंदा हो गया तो आप धो के फिर से वापस लगा सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये फूल कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।